आज आपको दिखा रहा हूँ मैं, दादे आपका दिमाग फट जाएगा, बस थोड़ा रुक के रहना। Hey guys, after long time, मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग बनाने पे मैं मजबूर हो गया, पता है क्यों? क्योंकि आज मैं ना एक ऐसे विला में आपको विजिट कराने जा रहा हूँ, शायद ही इंडिया के 5-6% जो है ना अमीर, उनमें से कुछ ही लोग शायद ये अफोर्ड कर सकें। तो भाई इतना तगड़ा विला है ना, ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, अब तुम्हें करवाने वाला हूँ। चलो गाइस, सो गाइस वी जस्ट एंटर्ड इनटू द मेंशन। सो भाई एंटर करते ही ना सबसे पहले हमारे लेफ्ट में ये एक ड्राइवर रूम, वॉशरूम, ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है डाइनिंग रूम बड़ा तकड़ा, और ये यू कैन सी, ठीक है, ये स्टेयर्स हैं बेसमेंट में जाने के लिए। इसके अंदर एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, बेसमेंट है, और ये हम ग्राउंड फ्लोर पर है। और भाई इसके अंदर ऑलरेडी लिफ्ट भी मिलती है। देन हम जा रहे हैं डायरेक्टली स्ट्रेट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ये आए हैं, ये भाई मेन किचन, ठीक है, जहाँ पर आप लाइक ऐसा एक शेफ हायर करके आप किसी पार्टीज़ वगैरह के लिए, ठीक है, यहाँ पर अपना फूड प्रिपेयर करके इंजॉय कर सकते हो। मतलब कि एक बहुत अच्छी बड़ी फैमिली ना यहाँ पर एक रह सकती है। और ये है भाई मेड रूम, मेड रूम जहाँ देख रहे हो, ठीक है, सामने वॉशरूम है। सो एंटर करते ही ना भाई राइट हैंड पर ये है भाई हमारी, देसी भाषा में तो कहेंगे इसको बैठक, लेकिन भाई आप इसको लिविंग रूम भी कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। जस्ट सामने एक डाइनिंग टेबल है, और दिस इज मिरर, हाउ आई एम लुकिंग विद आई एम पॉल वाई। सो भाई लेट्स एक्सप्लोर अनदर थिंग्स, ठीक है, कम अभी हम लिफ्ट से जाएंगे और अनदर लिविंग रूम, ठीक है भाई। लिविंग रूम के बाद हम डायरेक्ट एग्जिट करते हैं लाइक बैक साइड ऑफ द विला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये क्या चीज़ है यार, ये देख रहे हो बारबेक्यू स्टेशन, प्लस ये एक अनदर एरिया टू सिट हियर, और भाई फिर से बैठक जैसा कुछ है, ठीक है। और सामने है भाई स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, जकूजी बात, और भाई यार कब अफोर्ड कर पाएंगे देखते हैं यार, एक सपना बड़ा रखना चाहिए हमेशा। और ठीक है भाई, ये है भाई इसका फ्रंट, लाइक सी दिस गाइस, ओ सो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, कम ऑन गाइस। सो नाउ वी आर गोइंग बैक, लाइक अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम, सामने देख रहे हो फिर से डाइनिंग टेबल, और ये एक छोटा किचन है ये, लाइक यू कैन टॉक विद द ऑल पीपल इफ़ यू आर गैदरिंग हियर विद द पीपल, लाइक अगर आप काफ़ी दोस्तों के साथ या गेस्ट के साथ हो और आपको कुछ काम भी करना है किचन का, ख़ास करके लेडीज़ के लिए, ठीक है, एक ये ओपन लाइव किचन कहते हैं इसको। देखो ये लैंग्वेज मैं नहीं जानता हूँ एजेंट्स वाली, ठीक है, रियल इस्टेट वाली, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सच में ना वो वाइब्स हैं यहाँ पे, वो वाइब्स हैं यार यहाँ पे, जो अल्ट्रा लग्जरी, और भाई जो रिच लोग होते हैं ना यही ये चीज़ें वही शायद अफोर्ड करते हैं, और एक दिन तुम्हारा भाई भी होगा, ठीक है, मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। वार्डरोब्स वगैरह, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सुनो फिर चलते हैं भाई फर्स्ट फ्लोर तो दिखा देता हूँ। ये है भाई देखो नीचे, ठीक है, ये ऊपर, वी आर गोइंग टू फर्स्ट फ्लोर गाइस, अगेन आई एम आस्किंग हाउ आई एम लुकिंग। भाई यूट्यूबर्स ना, एक मिनट सॉरी बोलना मत बोलना। सो भाई यूट्यूबर्स बुरा मत मानना यार, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूबर्स अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। फिर से भाई एक और लिविंग रूम, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये मैं आपको बताऊँगा कि अमिताभ बच्चन और लाइक रणवीर सिंह ये क्यों चल रहा है यहाँ पर, डमैक की प्रॉपर्टी है भाई ये, ठीक है। ये बेडरूम भाई, मैं शायद आपको पहला बेडरूम दिखा रहा हूँ, बेहतरीन बेहतरीन, ये बालकनी है ब्रो, इफ़ यू सी दिस, लाइक अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बालकनी है भाई, सामने का फ्रंट का व्यू है, ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करा है, ये वॉशरूम है भाई इस बेडरूम का, ठीक है, तो चलो ये अनदर बेडरूम गाइस, अनदर बेडरूम। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है भाई,
इसके अंदर, इस विला के अंदर, इस मेंशन के अंदर, यार समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ इसको, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि अक्सर हर एक बेडरूम के अंदर ना एक अलग से बालकनी है, ठीक है। अभी थोड़ा रात हो रही है तो डार्क होने की वजह से दिख नहीं पा रहा होगा शायद आपको, ठीक है। और हर एक बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम, ठीक है, अटैच वॉशरूम, और वो भी भाई लग्जेरियस लाइक दिस दिस। सो अगेन हाउ आई एम लुकिंग टेल मी। चलो ये दो दो बेडरूम हो गए, एक बेडरूम शायद मैंने नीचे भी दिखाया आपको, ठीक है। सो थर्ड बेडरूम, ठीक है, लाइक वार्डरोब्स, क्या ग्रेट है। इसमें भी भाई सामने ओपन एरिया ग्लास लगा हुआ है। सो गाइस ये है अनादर मास्टर बेडरूम। अरे यार पॉल भाई तुम क्या कर रहे हो इसके अंदर। अनादर मास्टर बेडरूम, ठीक है। और इस मास्टर बेडरूम में भी वही सीन सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखता है। अंधेरा हो गया, रात हो गई, इसलिए बाहर का व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको। एक बात देखो यार, मास्टर बेडरूम पता है कुछ लोगों के ना इतने बड़े बड़े घर होते हैं। अरे मेरे यार इतना बड़ा घर है दिल्ली में, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे शायद, ठीक है, जितना बड़ा ये मास्टर बेडरूम है। चलो खैर, लिव इट, अपना रोना नहीं रोना चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम आस्किंग हाउ आई एम लुकिंग। ये है भाई, ठीक है, बाथरूम वॉशरूम, क्या क्या बोलूँ यार मैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये है भाई रेन शावर, ठीक है, वॉश टब। ओ भाई, सो गाइस नाउ वी आर गोइंग सेकंड फ्लोर, ठीक है। सो गाइस वी आर गोइंग ऑन द सेकंड फ्लोर, लिफ्ट से नहीं जा रहे यार, ठीक है, सीढ़ियों से चलता है। सो गाइस वी आर गोइंग ऑन सेकंड फ्लोर बाय स्टेयर्स। ये हमारा अजय भाई है। ये देखो सेकंड फ्लोर पे क्या सीन है, देख रहे हो, स्नूकर टेबल, ठीक है, मिनी बार विद टीवी। आप यहाँ पे अपना गेमिंग सेटअप भी लगा सकते हो, अपने यार दोस्त यहाँ पे एस्ट्रे रख के, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या 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 शीशा पीछा बेहतरीन यार, जैसा लाइफस्टाइल ऐसा। मुझे यार ये चीज़ में सबसे बेस्ट लगी ऊपर वाली, क्योंकि मुझे चाहिए होता है ओपन एरिया, ठीक है, और ओपन एरिया लाइक दिस, सी दिस गाइस। लेकिन ये आदमी हर जगह मिल जाता है, ये बताओ कौन है, ठीक है। सो ये भाई, ये इसका सेकंड फ्लोर है, इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है, लेकिन ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं, हमें दिखाना क्या है, ऑलमोस्ट रात हो गई है भाई। मैं सच बताऊं, इस व्लॉग को मैं आधे एक घंटे से बना रहा हूं, ठीक है, अभी तक कवर नहीं कर पाया हूं, ठीक है। ये देखो वॉशरूम, अगेन वॉशरूम, अगेन वॉशरूम, yeah। सो ये लिफ्ट, ठीक है, तो अभी लिफ्ट से हम नीचे जाएंगे। ओ ओ भाई भाई भाई, ओ भाई बंद, ओ बंद नहीं, ओ बंद नहीं, बंद नहीं यार, बंद हो रहा था, ठीक है। गोइंग टू ग्राउंड, लेकिन मैं जाऊंगा बेसमेंट। सो भाई जस्ट अभी हम लाइक बेसमेंट में आए, ठीक है। बेसमेंट में सबसे तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, देख रहे हो जनाब, प्राइवेट सिनेमा हॉल विद द वॉइस प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग। यार यहाँ पे मूवी चलेंगे ना हॉलीवुड की, और ये लाइट ऊपर स्टार लाइट, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, इतने प्यारे प्यारे सोफे, क्या ही मज़ा आएगा यार। कुछ फेवरेट चीज़ों में से एक ये भी है अपनी, ठीक है। और ये जगह मुझे क्यों पसंद आ रही है पता है, कि यहाँ पर ना अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकता हूँ मैं, डांस का भी शौक रखते हैं यार, सिस्टम लगा के बेहतरीन। और दूसरी चीज़ कार्डियो वगैरह, योगा करना पसंद करते हो तो योगा भी कर सकते हो, उसके बाद अगर थक जाओ पसीना आ जाए, ठीक है। और भी तगड़ी चीज़ें दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये है भाई स्टीम बाथ के लिए अलग से एक पार्ट, ठीक है। और अनदर थिंग इज़, ये है भाई जकूजी बात, ठीक है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आज एंटर करके देख लिया भाई,
टेम्परेचर वगैरह हो जाते हैं इसके अंदर। अब पता नहीं भाई क्या सिस्टम होता है, आप बताना ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं भाई एक और तकड़ी जगह पे। ये वॉशरूम वगैरह गेस्ट के लिए है ठीक है। दिस इज द गाइस अनदर ओपन एरिया ठीक है, छोटा सा फुआरा अपनी लैंग्वेज में कहेंगे ठीक है। ये ओपन एरिया खुले में बैठ के अपनी चेयर्स लगा के बातें करो, गप्पे शप्पे लड़ाओ ठीक है। यहाँ पे ना किसी प्रोग्राम में ना किसी इवेंट में छोटा सा डीजे भी लगा सकते हो यार बढ़िया पार्टी हो जाएगी। चलो और ज़्यादा तगड़ी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो गाइस ये देख रहे हो अपना बेसमेंट में बार सेक्शन ठीक है। बार सेक्शन एक बार टेंडर रखो इधर ठीक है परमानेंट। अगर आप भाई इस घर को लेने वाले हो ना, अगर आपका मन है ख़रीदने का, तो आपको ना बहुत सारे वर्कर्स अपने लिए रखने पड़ेंगे ठीक है। वो क्यों, बार्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के, ऑलमोस्ट 10-15 तो बंदे रखने पड़ेंगे नौकरी पे ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत महंगा है लाइक। और अभी मैं तुम्हें अदर साइड दिखा रहा हूँ एक चीज़, वो क्या है कि भाई अगर आपके पास फरारी वगैरह है, रोल्स रॉयस है, या कोई तकड़ी कार है जिसको आप अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हो अपने विला के अंदर ठीक है, तो यहाँ खड़ी कर दो। यहाँ पर बंदे को बार में लेकर बैठो, ठस्सा पड़ेगा भाई बेहतरीन यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वाह 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 ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मैं इस घर के अंदर क्यों घूम रहा हूँ ठीक है, और कैसे इस घर को बड़े अमीर लोग अफोर्ड करते हैं ठीक है, वो सब बताएंगे। हमारे साथ हैं अजय सर जी ठीक है। तो अजय भाई आप मुझे लाइक इस विला के मेंशन के बारे में आप ये बताइए कि ये किसकी प्रॉपर्टी है और क्या सीन है लाइक। जी देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक आप कह सकते हो कि ये आपका एक शो विला हो गया है। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग की, जैसे आप जानते हैं कि ये इसी की अगर हम बात करें तो 25 मिलियन दिरहम्स का, यानी कि अगर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें लगभग 50-60 करोड़ के रेंज में चला जाता है। 50-60 करोड़ हाँ। और अगर आप खुद लेना चाहें तो आप बिलीव करोगे कि ये जो खास करके ऐसी प्रॉपर्टीज है उसे खास करके हमारे जो भाई बहन जो इंडिया से उन्हीं के ज़्यादा काफ़ी उन्हीं के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मेरा पर्सनल फेवरेट इस बात के अंदर ये है कि आपको इसके साथ जो पेमेंट प्लान मिलता है अगर आप सोचते हो इसको खरीदने के बारे में, सो यहाँ पे पेमेंट प्लान होता है। सो जो पेमेंट प्लान है इसी प्रॉपर्टी का वो है 75-25% आपको देना है कंस्ट्रक्शन के दौरान। इनिशियल डाउन पेमेंट होगा आपका 20% प्लस 4% DLD, उसके बाद आपको पर मंथ 1% ही देना है। इतना बड़ा 60 करोड़ का घर आपको 1% पेमेंट प्लान पे मिल जाता है बिना किसी इंटरेस्ट के। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक बार जब ये पूरा बन के हो जाएगा सो मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग आपको 50% ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कि 50-60 करोड़ का घर ये इजिली पूरा बनने के बाद 80 करोड़ प्लस हो जाएगा या। तो सर थैंक यू सो मच, और बाकी अगर कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा ठीक है, बिल्कुल। वो बिल्कुल DM भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस मेरा व्लॉग पूरा देखने के लिए, वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई चाचा ताया मामा कोई रिश्तेदार है जो ये ख़रीद सकता है ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर।